तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए भला क्यों दूसरे प्रदेशों से निशाना साध रहे बिहार में लग रहा है बिहार में चुनाव हो रहा है भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया आप दीजिए ना आपने क्या दिया ये जो है इंडिया गठबंधन जो है इंडिया अलायंस वो इंडिया एलायस का फोबिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लग चुका है इनके पास मुद्दा है नहीं काम का लकीर इतना लंबा खींच दिया नीतीश तेजस्वी की सरकार ने रोज रोजगार की भरमार नौकरी की भरमार किसानों के लिए खुशखबरी गरीबों के लिए मजदूरों के लिए तो अब ये करेंगे क्या तो सर आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन में आपके साथ जय सिंह देश में पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर रैली के संबोधन कर रहे हैं तो वहीं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर जगह जगह जाते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार हैं जो दलित विरोधी हैं महिला विरोधी हैं इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी कैसे देख रहे हैं जहाँ नरेंद्र मोदी लगातार जहाँ जहाँ जा रहे हैं नीतीश कुमार पर हमलावर दिखते देखिए यही घबराहट है बौखलाहट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी दूसरे प्रदेशों से भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को निशाने पर ले रहे हैं उन पर हमला कर रहे हैं अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये डर ये भय आपके अंदर है आपको 2024 के लिए बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए उनको पता है कि आदरण नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के साथ मिल कर के गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता बनाई पूरे देश में इसी का डर इसी का भय सता रहा है इंडिया गठबंधन इस तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए भला कि वो दूसरे प्रदेशों से निशाना साध रहे बिहार में लग रहा है बिहार में चुनाव हो रहा है भाई कोई राज्यों में जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं किसी में भाजपा को आना नहीं है तो वो खाना पूर्ति कर रहे हैं ये तो 2024 का लोकसभा का भाषण दे रहे हैं इससे होना कुछ नहीं है बीजेपी की सफाई तय है विदाई तय है इसलिए इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का एहसास है इसलिए उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है और वो बात कर रहे हैं दलित प्रेम भाई आदरण नीतीश कुमार जी ने तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया आप दीजिए ना आपने क्या दिया ये जो ज्ञान दे रहे हैं बिहार तो अपने राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है लेकिन वो बिहार पर निर्णय साध रहे हैं वो इंडिया अलायंस को बता रहे हैं कि देखिए इंडिया अलायंस में ऐसे नेता है कि जो दलित विरोधी हैं महिला विरोधी हैं दलित को अपमान करते हैं महिलाओं को किस तरह से भद्दी बात बोलते हैं वो इस पर निशाना साध रहे इंडिया पर अरे ये जो है इंडिया गठबंधन जो है इंडिया एलाइंस वो इंडिया अलायंस का फोबिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लग चुका है और वो भाषणों में ये बताते नहीं कि बीस करोड़ नौकरी कहाँ गया किसानों की आय दोगुनी की बात की थी महंगाई पर कुछ बोलते नहीं तो क्या बोल रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलते नहीं जो असली मुद्दे है रोटी कपड़ा और मकान इस पर नहीं बोलते गरीबों पर मजदूरों पर नौजवानों पर किसानों पर ये सब परेशान हैं और आदरणीय मोदी जी ये ज्ञान दे रहे हैं भाई ये तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन ने नींद और चैन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छीन लिया है और ये बिहार ने बीजेपी केंद्र की सत्ता के ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया है जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और जो काम करके दिखा दिया पूरे देश में डंका बजा बज रहा है कि जाति आधारित गणना का सर्वे करा करके और जो काम कर दिया अब ये लोग का घबराहट तो स्वाभाविक है ये बात तो सबको पता है कि बौखलाहट में है बिहार में अपराधी का मनोबल बढ़ गया अपराधियों का मनोबल बढ़ गया जिस तरह से लखीसराय में जो दिन दहाड़े गोली मारे गए जिसमें दो को मौत हो गई और आज एक पीएम में फिर से मौत हो गई कैसे देख रहे हैं देखिए बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज स्थापित है और रहेगा जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसकी खैर नहीं है अपराधियों की ये कान खोल करके अपराधी सुन ले ऐसी सजा मिलेगी कि फिर जीवन भर याद रखेंगे लेकिन आप तो नहीं सुनाई जो अरे ये बीजेपी वाले बेचैन हैं इनके पास मुद्दा है नहीं काम का लकीर इतना लंबा खींच दिया नीतीश तेजस्वी की सरकार ने रोज रोजगार की भरमार नौकरी की भरमार किसानों के लिए खुशखबरी गरीबों के लिए मजदूरों के लिए तो अब ये करेंगे क्या तो कह रहे राष्ट्रपति शासन भाई राष्ट्रपति शासन पहले अपने शासित राज्यों में न लगाइए जो घटना थोड़ी बहुत घट रही है किस तरह पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है यही ना शासन प्रशासन का इकबाल दिख रहा है कि कानून का राज किस तरह स्थापित है अब बीजेपी ये क्या ज्ञान देगी विपक्ष का धर्म है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना लेकिन एक ही कैसेट वो बार बार बजाती है कि राष्ट्रपति शासन लगाना लेकिन, चाहिए लेकिन आप बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत घटना देखा जाए तो बालू माफिया पुलिस वालों को किस तरह से मार रहे हैं और दिन दहाड़े गोली चल रहे हैं तो ये आपराधिक घटना तो लगातार बढ़ रही है बिहार में बिहार में अपराधी चाहे कोई हो माफिया कोई हो तस्कर कोई हो बालू माफिया हो शराब माफिया हो चाहे कोई हो हमने कहा आपके जिम्मेवार चैनल पर कि अब उसकी खैर नहीं है आप देखे होंगे कितना जब से सरकार बनी है कितना कमी आया है अपराध की आपराधिक घटनाओं में लेकिन ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कोई अपराधी अगर छिटपुट कोई घटना कर रहा है तो वो फिर अंजाम भी भुगत रहा है सलाखों के पीछे है सारे घटनाओं का आप देखिए क्या हसर हुआ उन अपराधियों का और जिन अपराधियों ने लखीसराय में यह कुकृत किया है उसका भी हसर देखिएगा चलिए ये हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्यु तिवारी क्या कुछ कहा आपने सुना इस्तेमाल ग्रुप जो सोचता है वो करता है